अब आज का गिफ्ट क्या है? आज का गिफ्ट है एक वाउचर जिससे आपको 500 रुपीज प्राप्त हो सकते हैं। ये जो वाउचर है इसको आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए जिस कोड की आपको आवश्यकता होगी वो कोड आपको इस पूरे वीडियो के दौरान कहीं भी स्क्रीन पर नजर आ सकता है, तो आप अपनी नजर स्क्रीन पर बनाए रखिए। उस जर्नी को आसान करते हैं जिस जर्नी के द्वारा आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम जब भी कोई माइलस्टोन अचीव करते हैं या उसे क्रॉस करते हैं तो आपके साथ उसकी खुशी को हम शेयर करते हैं, छोटे छोटे सरप्राइजेस के साथ, छोटे छोटे गिफ्ट्स के साथ और ऐसे कुछ प्रोग्राम्स के साथ जो कि आपकी नीट में सफलता को आसान बनाते हैं, उस जर्नी को आसान करते हैं जिस जर्नी के द्वारा आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुँचेंगे। अब इसी क्रम में नया साल आ रहा है, नया साल जो नई उमंग नई तरंग लेकर आता है और अगले साल अब अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं, इस शुभकामना के साथ मैं आपके साथ एक छोटा सा गिफ्ट शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक आजाद बैच में हमने एक रुपए में पूरी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई थी। जी हाँ, केवल एक रुपए में पूरे इंटायर फिजिक्स की टेस्ट सीरीज जो कि 4 मंथ की थी हमने अवेलेबल कराई थी। हालांकि उसमें भी एक टाइम लिमिट थी कि आप एक सर्टेन टाइम लिमिट तक उसको अवेल कर सकते हैं। फिर बारी आई प्रहार बैच की और प्रहार तो सरप्राइजेस का भंडार है। उसमें हमने सबसे पहले आपके लिए एक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन टेस्ट सीरीज बायोलॉजी की 40 डेज में आपका पूरा बायो कवर हो जाए, जूलॉजी बॉटनी मिला के सब कुछ कवर हो जाए, ऐसा जो है वो हमने आपको सरप्राइज दिया। 40 डेज का सरप्राइज जिसमें आपकी कंप्लीट बायो हमने करवाई है और वो सीरीज अभी भी चल रही है। एक और कमिटमेंट हमारा है जिसमें हमने आपसे कहा है कि हम आपको फिजिक्स के लाइन बाई लाइन जो 1 पेज नोट्स हैं वो अवेलेबल कराएंगे। फिजिक्स के 1 पेज नोट्स, एक ही पेज में पूरा का पूरा चैप्टर, इसके लिए हमने बहुत रिसर्च किया है, हमारी पूरी टीम काम कर रही है और कुछ ही दिनों में वो आपको मिल जाएंगे, हर उस बच्चे को मिल जाएंगे जिसने प्रहार में एनरोल कर रखा है। अब आज का गिफ्ट क्या है? आज का गिफ्ट है एक वाउचर जिससे आपको 500 रुपीज प्राप्त हो सकते हैं। ये जो वाउचर है इसको आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए जिस कोड की आपको आवश्यकता होगी वो कोड आपको इस पूरे वीडियो के दौरान कहीं भी स्क्रीन पर नजर आ सकता है, तो आप अपनी नज़र स्क्रीन पर बनाए रखिए। और वो कोड जब आप बियॉन्ड इक्वेशन ऐप पर अप्लाई करेंगे तो बियॉन्ड इक्वेशन पर जितने भी कोर्सेस हैं वो सारे कोर्सेस पर जो पहले से डिस्काउंट है वो तो आपको मिलेगा ही, एडिशनल 500 रुपीज जो है उसका डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाए। 500 रुपीज जो है वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये बात कौन सोच रहा है। क्या कोई ऐसा बच्चा सोच रहा है जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए देकर किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा है? उसके लिए शायद ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के वो स्टूडेंट जो कि ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से अपनी नीट में सफलता की राह को चुन रहे हैं, उनके लिए कोई अमाउंट छोटा नहीं होता। उनके अंदर जो जुझारूपन होता है वो अगर आप देखोगे ध्यान से, तो मैंने अपने लास्ट 20 ईयर के करियर में ऐसे कई बच्चों को देखा है जो अपनी जिद से डॉक्टर बने। वो अपनी जिद से, उनके पास और कुछ नहीं था, उनके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक जिद थी, उनके पास एक जोश था, उनके पास एक जुनून था कि मेरे को डॉक्टर बनना है, और वो अपने उस जोश से, अपने जुनून से डॉक्टर बने। ऐसे ही बच्चे हमें प्रेरित करते हैं कि हम आपकी जितनी मदद कर पाए उतनी मदद करें, हम आपके लिए कुछ नया करें। बहुत कठिन होता है हर समय कुछ नया करते रहना, बहुत ज्यादा कठिन है कि हर समय कुछ नया किया जाए, लेकिन ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हमें प्रेरित करते हैं। हमारी जो मोटिवेशन है ना वो स्टूडेंट्स ही है,
स्टूडेंट होता है जो कि एक टीचर को प्रेरित करता है जोरदार पढ़ाने के लिए, क्लास का जो माहौल होता है, स्टूडेंट होता है जो टीचर को मजबूर कर देता है अपनी लिमिट से ऊपर जाके डिलीवर करने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट होता है ना वो और टीचर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और जो स्टूडेंट सीमित संसाधन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं वो रियल स्टूडेंट्स होते हैं। एकदम गजब जर्नी होती है और ऐसे कई एग्जांपल्स मेरे पास हैं, मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ। ये जो लास्ट का 4-5 महीने का समय है ना, इस समय अच्छे अच्छे टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, उनको भी एक सूडो टाइप का डिप्रेशन आ जाता है। उनको भी एक बार ऐसा लगने लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, एक नेचुरल प्रोसेस। ये वो 4-5 महीने हैं जिनमें मैंने रैंक को फ्रेम होते हुए देखा। इन 4-5 महीनों में एक बच्चा होता है जो अपनी नर्व्स को कंट्रोल में रखता है और डेली छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करता जाता है और एंड में सक्सेसफुल हो जाता है। और यही 4-5 महीने होते हैं जिनमें कोई बच्चा होता है जो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छी रैंक लाने वाला हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो सिस्टमेटिक काम नहीं कर पाता, इस सिस्टमेटिक काम को नहीं कर पाने की वजह से वो लास्ट में अपनी रैंक से दूर रह जाता है, अपनी सिलेक्शन से दूर। केवल इसी बात को सोचकर एक जो कोर्स हमने डिजाइन किया वो है पढ़ा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है रिवर्स इंजीनियरिंग। आप न्यूमेरिकल करें, न्यूमेरिकल जब आप ज्यादा करें, जो न्यूमेरिकल नहीं आए उस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट पढ़े, और पढ़ाई होनी चाहिए रिजल्ट ओरिएंटेड, पढ़ाई होनी चाहिए नीट ओरिएंटेड। भैया वो वाले सवाल करना है जो नीट में आ रहे हैं। कुछ लोग एकदम डायरेक्ट बोल देते हैं कि फिजिक्स है तो SCV कर लीजिए। अरे भाई मुझको पिछले 10 साल के पेपर में दिखाओ कोई क्वेश्चन SCV से डायरेक्ट आ रखा है, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि कुछ भयंकर पढ़ा देने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको नीट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा। नीट ओरिएंटेड पढ़ने से जितने नॉन इंटीग्रेटिव पार्ट हैं उनका अगर एनिमेशन है आपके पास तो आपका ये जो 4-5 महीने है इसमें सिस्टमेटिक स्टडी की जरूरत है। इसलिए हमने पूरे नीट के सिलेबस को 16 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और हर वीक में एक हिस्से की हम तैयारी करवाते हैं और संडे को करते हैं। जो बच्चे ये काम कर रहे हैं, ये अभी 19 दिसंबर से ही जो बैच है वो चालू हुआ है, और सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के ये बैच हमने चालू किया है कि जो बच्चे अपने आप से अपनी नर्व्स को होल्ड करके लास्ट तक नहीं जा पाते, उनका कुछ ना कुछ पोर्शन रह जाता है, हम पूरे 1.5 घंटे जब क्लास लेते हैं, चाहे वो 3C क्लास हो चाहे वो बायो की क्लास हो, उस 1.5 घंटे की क्लास हम उनका एक अच्छा खासा पोर्शन कवर करवा देते हैं जो कि अगर वो अपने आप से कवर करें तो उसको 3 या 4 घंटे लगे। टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। इसके साथ साथ आपको वो क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस हो रही है जिनकी नीट में आने की प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी कोर्स डिजाइन करने का एक उद्देश्य, प्रहार को डिजाइन करने का भी उद्देश्य। प्रहार में 40 दिन की टेस्ट सीरीज में बायो कंप्लीट करवाना एक पूरी स्ट्रेटेजिकली जो है वो हमने काम किया। इसके पहले फिजिक्स हमने पहले लॉन्च किया ताकि फिजिक्स में जो है वो आप एक बार उस सीरीज को पूरा कर लें, दोबारा आप प्रहार में एनरोल कर लें और प्रहार को पूरा कर लें तो आपका फिजिक्स जो है जो आपको हर बार परेशान करता है वो बिल्कुल परेशान। और ये छोटे छोटे से एफर्ट है, अगर आप ये छोटे छोटे से एफर्ट करते हो तो आप अपनी रैंक के अपनी सिलेक्शन के करीब। हम बियॉन्ड इक्वेशन पर पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे की नीट की जर्नी को जो है वो इजी किया। हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं वो हम इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट्स का सपोर्ट है वो बहुत जबरदस्त है। हम कोई भी
कोई भी छोटे बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों हमने है ना ये आपके लिए सरप्राइज लॉन्च किया है, बच्चों हाथों हाथ उसमें आगे आकर अपने अपना एफर्ट डालते हैं। और जब बच्चे उसमें एफर्ट डाल रहे होते हैं, उनके रिजल्ट आ रहे होते हैं, उनके नंबर आ रहे होते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है वो हमें फिर आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। एनर्जी का फ्लो आपसे हमारी तरफ आ रहा है और फिर डबल होते हमारे साथ। ज्यादातर बच्चे गिव अप कर देते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि अब इतना कम समय रह गया है कि अब नीट मेरे बस का नहीं। इस बात को साबित करने के लिए कि नई नीट बस का है आपके और इन 4 महीनों में ही रैंक फ्रेम होती है, हमने प्रहार कोर्स में और 125 डेज में पूरा सिलेबस कराएंगे और आपको इस बैच के बच्चे दिखाएंगे हम रिजल्ट में कि देखो ये प्रहार बैच का बच्चा है और देखो इसका सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 4 महीने में रैंक फ्रेम होती है होती है होती है, करवाई जा सकती है अगर ईमानदारी से केवल वो ही पढ़ाया जाए जो कि नीट के एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल बच्चा 100% करके आएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन के फीचर्स को मिला के हमने एक हाइब्रिड तैयार कर, यहां हमारी ऑफलाइन क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है, वही क्लास लाइव जा रही होती है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ जो लेक्चर डिलीवर हो रहा होता है वही बच्चे के पास मिल रहा होता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बियॉन्ड डिक्लेरेशन है, हम लोग यहां से ऑफलाइन क्लास आपके घर में दो। और ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन की एक सबसे बड़ी विटामिना यह है कि अगर आपकी 1 दिन की भी क्लास छूट जाए तो आपके पास कोई जरिया नहीं होता कि आप उसको दोबारा से प्राप्त करें। बैकअप क्लास के नाम पे कुछ लीपा पोती हो सकती है, लेकिन यहां तो आपके पास एप्लीकेशन में जो ऑफलाइन क्लास का लेक्चर है वही अवेलेबल रहता है एकदम एग्जाम पे। किसी लेक्चर को दोबारा सुनना है तो भी आपके पास फैसिलिटी है कि आप दोबारा सुन सकते हैं। टेस्ट को आप कई बार दे सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स दे सकते हैं, हमने लिमिट ही हटा दी, लिमिट ही नहीं रखी है कि एक बार दे सकते हैं या दो बार देख सकते हैं। किसी वीडियो को देखने की कोई लिमिट नहीं रखी है कि 2 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं, कितनी बार वीडियो को देख सकते हैं, आप कितनी बार रिवाइज करते हैं। और पूरी वही एनर्जी जो एक क्लास वाली एनर्जी होती है वो उसका फ्लो आपके पास, बिकॉज हर एक जो मोड है पढ़ाई का उसकी कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ बेकार बातें, तो हमने अच्छी अच्छी बातें दोनों की लेके एक हाइब्रिड बनाने की कोशिश की है। और हम हर वो काम कर रहे हैं, हर वो मेजर ले रहे हैं जिससे कि आप नीट में सफल, आपकी जर्नी आसान, ये ही हमारा अल्टीमेट गोल है कि कुछ भी करके। नहीं तो देखिए आप फिजिक्स एनिमेशन अपने आप में बहुत टफ है, एनिमेट करना बहुत टफ है, लेकिन हम आपके लिए फिजिक्स एनिमेशन, ये जो गिफ्ट वाउचर है ये भी हमारा छोटा सा प्रयास है उन सभी बच्चों को ये छोटा गिफ्ट देने का जो हमें इतना चाहते हैं और इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हैं YouTube पे, उनको ये छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से। अगर आप अभी तक भी इस वीडियो में बने हुए हैं मतलब निश्चित आप एक सीरियस नीट कैंडिडेट हैं। गॉड ब्लेस यू।